नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है, नया टॉपिक के साथ और नया जानकारी के साथ। तो फटाफट अभी हम बात करेंगे प्रेशर कुकर। तो जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पास एक प्रेशर कुकर है, पतला है लेकिन इसे बनाना जरूरी है। ग्राहक किसी भी स्थिति का आपको कुकर दे सकता है, अगर बोलता है हमें यही बनाना है तो उसे बना ही देना है। तो ये कुकर मिला है तो इसका लीकेज प्रॉब्लम था और है, इसे भी हम ठीक कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि जो कुकर मिलता है, अगर आप दुकानदार, सबसे पहले उसको धोइए, जैसा कि मैं धो चुका हूँ, देख सकते हैं, इस तरह अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसमें समस्या क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं इस तरह से हिल रहा है। तो इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कि वेंट पाइप को कैसे चेंज करना है। जैसा कि ये हमारा वेंट पाइप है और इसे भी हम टाइट करेंगे तो यह पुराना हो चुका है और यह टूट सकता है टाइट करने पर, और इसका सीटी भी नहीं है। तो वेंट पाइप को चेंज भी करेंगे और सीटी भी लगाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, इस वेंट पाइप का स्थिति इस तरह का है। अब मैं इस तरह का नया लगाऊंगा। तो जब भी आप वेंट पाइप और सीटी को असेंबल करें, लगाएं, तो देख सकते हैं इस स्थिति में होना चाहिए। यह सीटी है, ऐसे मैं अंगुली से ऊपर की ओर उठा रहा हूँ। यह देखिए, पूरी तरह से हिलना डुलना चाहिए, एकदम टाइट फिटिंग नहीं डालेंगे तभी हमारा सही होगा। तो मैं एक बार यहाँ भी डाल के दिखाता हूँ। लगभग लगभग इसी साइज का है, देख सकते हैं, ये देखिए, लगभग लगभग सेम साइज का है। इसमें भी मैं डाल सकता था, ये देखिए, तो सही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी से हम टाइट करेंगे तो हमारा टूट सकता है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। और वैसे भी यह काफ़ी ज़्यादा लॉक हो चुका है, इसका जो छिद्र है, तभी हम इसे खोलेंगे इस जकड़ मशीन के द्वारा। अगर आप कुकर का रिपेयरिंग करते हैं तो इस तरह का आपके पास जकड़ मशीन होना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट इसे भी हम यहाँ पे फंसा के लॉक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम इसे डाल दिए हैं और इसे घुमाकर लॉक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ हम डाल दिए हैं और इसे पूरी तरह से टाइट कर दिए, देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा हिल रहा है। तो इसे निकालना है, इस तरह का ले लेंगे हम, लगभग वही 13 नंबर का है, देख सकते हैं, गोल्ड रिंच। तो इसे हम टाइट करेंगे तो हमारा टूट सकता है, तो हम इसे खोल ही देंगे। और काफ़ी पुराना भी हो चुका है तो इस तरह से खोलेंगे। ये देख सकते हैं कैसे मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए, इस तरह से हमारा खुल गया। ये एल्युमिनियम का होता है, दोबारा इसे हम लॉक वेक करेंगे ना तो इसका जो घाट है वह ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसे चेंज ही कर देना, ठीक है। तो अब हम, ये हमारा इस तरह से निकलेगा, ये देखिए। तो इसका ढक्कन ज़्यादा होल हो चुका है यहाँ पे, तो थोड़ी सी चोट करके इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे रखते हैं, थोड़ी सी इसे चोट कर लेते हैं। तो चोट हम इसी तरह इसे भी कर सकते हैं, देखिए, जब वेंट पाइप हम लगाएंगे तो इस तरह से कर ही लेंगे। इसे हमारा जो होल है वो तो देख सकते हैं, थोड़ा छेदा हो चुका है, थोड़ा माने ज़्यादा बड़ा छेदा हो चुका है, ठीक है। तो हम इस तरह का वेंट पाइप लगाएंगे और इसे लगाने समय इस वाशर का उपयोग जरूर करेंगे, ठीक है। इसे हम एक बार निकाल लेते हैं खोल के, इसे हमारा निकल चुका है। तो इसका जो है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी डालेंगे हम इसी में कोई बोल्ट नहीं डाल सकते हैं, जब भी डालेंगे तो सेट ही डालेंगे, ठीक है। इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से ठोक के, यहाँ भी ठोक सकते हैं, यहाँ भी ठोक सकते हैं, यह हमारा निकल गया, देख सकते हैं हमारा निकल चुका है। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ, एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हिल डुल रहा है। तो इसे फिट करना है तो थोड़ा सा कैमरा मैं लगा लेता हूँ। तो अभी सही से मैं अभी आपको बताता हूँ।
तो जैसा कि देख सकते हैं वेंट पाइप फ्रेश है, नया है। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे दबाएंगे, देख सकते हैं यह जो घाट है, ये घाट को हम यहाँ पे इस तरह से दबाएंगे पूरी तरह से टाइट फिटिंग। ये देखिए ऐसे दबाएंगे, पूरी तरह से दबाएंगे कि यह हिले ना, ठीक है। अब हम इसे डालेंगे, देखिए इस गुटके को डालेंगे, इसे और हमें शायद हाँ इस तरह से डालेंगे, मैं भूल रहा था। ये देखिए फर्स्ट क्लास फिटिंग आ गया। अब हम इस ढक्कन को डालेंगे, ध्यान रहे ये जो हमारा सेफ्टी बल्ब है तो यह इधर ही होना चाहिए। एक बार सेफ्टी बल्ब को हम चेक कर लेंगे कहीं हमारा ढीला तो नहीं है, ढीला होगा तो इसे हम टाइट कर लेंगे। हाँ ये हमारा टाइट हो चुका है और टाइट था ही, तो इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए ये लग गया, वाशर देना कभी ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से वाशर दे देंगे एक, और इसका जो देख सकते हैं या जो नट है इस नट को अच्छी तरह से कस देंगे। तो 13 नंबर का आप ले सकते हैं गोटी रिंच या सलाई रिंच या इस तरह के कोई भी रिंच से इसे इस तरह से कसिए। ये देखिए पूरी तरह से टाइट फिटिंग कसेंगे ताकि किसी तरह का लीकेज का समस्या ना रहे। ये देखिए और इतना टाइट करिए कि यह टूटे भी ना, ध्यान रखें यह टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए ये हमारा फुल टाइट हो चुका, ठीक है। अब हम इसे खोल लेंगे, यह हमारा काफ़ी सुंदर टाइट हो चुका है। अगर यहाँ पे भिड़ा के देखते हैं और अब इसके आगे का जो सीटी हमने लिया था तो इस तरह से देख सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं थोड़ा कैमरा को नज़दीक करता हूँ। हाँ ये देखिए जब भी सीटी डाले तो इस तरह का हील डोल होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इसका लीकेज चेक करते हैं। तो बाकी वीडियो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो इस तरह आप वेंट पाइप को खोलकर नया वेंट पाइप डाल सकते हैं और सीटी को इस तरह से सेट कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।